2019 से ही बात करो आप, 370 और 35 की जब मनसूखी हुई तो किस बच्चे के हाथ में जो है पत्थर थे, किस बच्चे के हाथ में ड्रग्स थे, किस बच्चे के हाथ में वेपन थे? आप मुझे बोलो कौन सा बच्चा कश्मीर में मरा? आज कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे थप्पा लगा है? आज जो है डेवलपमेंट हर तरफ है, आज कश्मीरी बच्चा अपनी फील्ड्स में प्रोग्रेस कर रहा है, आज डेवलपमेंट है, G20 का समिट हो रहा है, यहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े FDI प्रोजेक्ट्स। अगर इमार की आपने बात, इमार के बारे में भी आपने सुना होगा, दुबई का, दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई में इमार की बहुत प्रोजेक्ट्स थी और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहला प्रोजेक्ट इंडिया ने हमारे कश्मीर में लगाया, जहां पे 2500 करोड़ का यहाँ पे मॉल खुलने वाला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दैट कैन बी ए ग्रेट सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर आवर यूथ ऑल्सो। और अगर हम IT सेक्टर्स की बात करें, IT सेक्टर्स भी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी भी बन रही है। G20 डेलीगेशन यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम से आए, UN ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 12 साल जो मसला था, कहते थे कि कश्मीर का जो मसला UN में चल रहा था, UN ने तो क्लियरली बोल दिया कि कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एनीमोर। तो पाकिस्तान को अब चुल मची है। आपको अगर माशराती पाकिस्तानी कुछ वो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है, इंडिया के लिए हमने कारगिल वॉर जीती, हमने वो किया, हमने ये किया, तो दैट इज टोटली अनएथिकल। यू गाइस कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एंड आप पाकिस्तान के जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स, जिस तरीके से ऑफिशियल जो है हमारे नाम पे, कश्मीर के नाम पे, चाहे UN में बात करें या फिर किसी और जगह पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम पे प्रोपेगेंडे खोले जाते थे। तो नतीजा क्या रहता था? वही खून रेजी, वही ब्लडशेड जो हम लोगों ने 70 साल से फेस किया था। अब जब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आई, अब जब 2014 से कुछ लोग मुझे यहाँ पे आप ये भी बोलेंगे मे बी शी इज अ पेड एजेंट ऑफ BJP, बट इट वोंट इफेक्ट मी। अगर ये सच है, अगर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई जो है किसी को हजम नहीं होती है, क्या ट्रुथ इज ऑलवेज बेटर। बट अगर आप सच बोल रहे हो, सच के साथ जो है अल्लाह ताला भी है, सच के साथ मतलब उसका साथ हमेशा ऊपर वाला भी देता है जो सच के साथ होता है। तो ये सच ही है और ये रियल फैक्ट्स है। भाई आप फैक्ट चेक करो, जो मुझे BJP का पेड एजेंट बोल रहा है वो पहले फैक्ट चेक करे। आप गूगल पे जाओ, आप 2014 से देखो, 2019 से ही बात करो आप, 370 और 35 की जब मनसूखी हुई तो किस बच्चे के हाथ में जो है पत्थर थे, किस बच्चे के हाथ में ड्रग्स थे, किस बच्चे के हाथ में वेपन थे? आप मुझे बोलो कौन सा बच्चा कश्मीर में मरा? आज कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे थप्पा लगा है? आज जो है डेवलपमेंट हर तरफ है, आज कश्मीरी बच्चा अपनी फील्ड्स में प्रोग्रेस कर रहा है, आज डेवलपमेंट है, G20 का समिट हो रहा है, यहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े FDI प्रोजेक्ट्स। अगर इमार की आपने बात, इमार के बारे में भी आपने सुना होगा, दुबई का, दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई में इमार की बहुत प्रोजेक्ट्स थी और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहला प्रोजेक्ट इंडिया ने हमारे कश्मीर में लगाया, जहां पे 2500 करोड़ का जो है 2500 करोड़ का यहाँ पे मॉल खुलने वाला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दैट कैन बी ए ग्रेट सोर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर आवर यूथ ऑल्सो। और अगर हम IT सेक्टर्स की बात करें, IT सेक्टर्स भी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी भी बन रही है। G20 डेलीगेशन यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम से आए, UN ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 12 साल जो मसला था, कहते थे कि कश्मीर का जो मसला UN में चल रहा था, UN ने तो क्लियरली बोल दिया कि कश्मीर इज नॉट अ डिस्प्यूटेड एनीमोर। तो पाकिस्तान को अब चुल मची है बस कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा करने की, बस यही बोलने की नहीं अभी भी हो रहा है, ब्लैक डे मनाओ, जबकि पूरे कश्मीरी, मैं एक मुस्लिम गर्ल आके ये क्लियरली बोल रही हूँ, आपने भी बहुत सारे कश्मीरियों का इंटरव्यू किया होगा, किस कश्मीरी ने आपको बोला कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हर चीज जो है हम अपने विल पावर से कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर यहाँ पे भी आपने भी देखो मेजोरिटी तो यहाँ पे ज्यादातर सनातन धर्म की लोगों की है, तो उसी हिसाब से हमारे भी लॉज होने चाहिए, लेकिन वैसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहाँ पे हर किसी के लिए जो है वो नाफिज किया जाएगा, तो हर किसी के लिए जो है लॉज इक्वल होंगे, चाहे वो सिख होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, क्रिश्चियन होगा या फिर हिंदू होगा। तो सेम अगर आप PoK की बात करें तो PoK में भी आप देख रहे हो वहां पे माइनॉरिटीज के साथ, इवन मैं सुन रही थी आप ही के PoJK से लोग आते हैं, अमजद अयूब मिर्जा साहब है, शायान अली है, किस प्रकार मैंने उनसे जो चीजें सुनी, मैंने उनसे जो रिव्यू सुने PoJK के बारे में कि किस प्रकार से वहां पे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ उनकी आर्मी जो है गलत काम करती है, लड़कियों को गलत यूज किया जाता है। और वही बात करें, वो तो क्लियरली सोशल मीडिया पे भी डिफेक्ट होता है कि वहां के लोग क्लियरली बोलते हैं वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट इंडिया। एंड वो तो अपने आप को क्लियरली अमजद अयूब मिर्जा जो है अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते थे देन वाई वो अपने आप को क्लियरली आके ये क्यों बोलते हैं जय हिंद जय भारत जय कश्मीर, जबकि वो एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो पीओके है वो हिंदुस्तान का, हमारे कश्मीर का अटूट अंग है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम तो वो वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन जो नाजायज कब्जा पाकिस्तान ने उस पे किया था, जाहिर सी बात है अब वहां के लोग, देखिए एक कंट्री की जो वॉइस है ना वही आगे जाती है। एक स्टेट की अगर हम लोग मकबूजा होते, अगर हम लोग कब्जे में होते, अगर हम लोग जुल्म में होते, तो हम ये चीज कभी आके इंटरव्यूज पे नहीं बोलते, तो हम ये चीज आके कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बोलते कि हम सेफ नहीं है कश्मीर में, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। लेकिन हम तो क्लियरली आके बोल रहे हैं। और वहां के लोग देखो, वहां के लोग बेचारे कैलिफोर्निया यूएस पहुंच के ये चीजें, इवन पाकिस्तान में रह के ये चीजें नहीं बोली जाती है, जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तब वो वहां पे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है दूसरे दिन को आर्मी उठा के ले जाएगी। तो अब ये चीज आप क्लियरली आप कंपेरिजन करो, वैसे तो कंपेरिजन का अगर हम जिक्र करें कंपैरिजन है ही नहीं कहीं पे, लेकिन आप खुद देखो, आप कंपेरिजन करो, आप देखो कि कौन सा कश्मीर मकबूल। ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं, या इवन पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोग भी आए, अपनी आवाज यहाँ पे रखें, पूरी दुनिया तक आवाज पहुंचे। अगर उन्हें कोई इश्यूज हैं तो वो भी लाएं, और अगर वो बिल्कुल अपना आजादी के साथ रह रहे हैं तो वो भी वो बताएं। एक चीज जो मैंने फिजिकली कश्मीर का विजिट किया, 10-15-20 दिन मैं वहां पे रहा, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले जब मैं गया था, मैंने वहां पे ऑब्जर्व की जो यूथ थी खास तौर पे, वो ये कहती नजर आई कि भाई हमें पाकिस्तान से उस तरीके से कोई कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान को अपना नेबर कंट्री समझते हैं, और ये चीजें ऑन दी रिकॉर्ड मेरे चैनल पे मौजूद है। मे भी उन्होंने ये भी कहा, नो डाउट उन्होंने ये भी कहा कि भाई इंडिया के साथ भी हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम अपनी आजाद रियासत बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें तो ये नौजवान लड़की मेरे साथ मौजूद है, ये इंडिया साइड कश्मीर पे बैठ के कितनी आजादी से बात कर रही है और जो अपनी ओपिनियन दे रही है। उन्होंने ये बताया कि अगर जुल्म हो रहा होता तो हम क्यों चुप रहते, हम बोलते। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये प्रोपोगंडा है, अगर किसी को लगता है कि ये पेड़ है सब कुछ, तो आए, अपना मौकफ रखें, जो सच होगा वो देखने वाले समझेंगे। भाई का बड़ी जबरदस्त आप बात कर रही हैं, आपने बोला गूगल करके देखा करें, मैंने गूगल किया तो वहां से मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कश्मीर में लॉन्च की गई हैं इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, जिनमें हौसला स्कीम है वुमेन के लिए, इसके अलावा जनानी सुरक्षा योजना है वो भी वुमेन के लिए है, उसके अलावा उम्मीद स्कीम है। आप इन स्कीम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बराए नाम है या इनका फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बहुत आए, आपने भी देखा होगा, लेकिन इतिहास में एक नाम गूंजता है, चाहे वो यूएस भी जाए, चाइना भी जाए, या फिर कहीं और जाए, उनको रिस्पेक्ट भरपूर तरीके से मिलती है। 120 कंट्रीज ये दावा करती है कि वो हमारे ग्लोबल फ्रंट पे जो है रहनुमा बने। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विजन बहुत ब्रॉड है, वो बहुत ब्रॉड सोचते हैं। 2014 से मैं यही कहना चाहूंगी, जो ये बोलते हैं कि मोदी सरकार है, बीजेपी है, वो है, ये है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी सीरियसली आप गूगल करें, आप देख ले। इन्हीं स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी आपने सुना होगा। जो गरीब लड़कियां हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गरीब लड़कियां होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है स्कॉलरशिप्स पे, पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो उनको इंडिया में जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जी उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ाई करना चाहता है, आगे कंटिन्यू करना चाहता है, कोई कोर्स है या फिर किसी कोर्स के तहत वो कहीं जाना चाहता है, तो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, जिसके तहत वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती है। या फिर लड़कियों के लिए या फिर विडोज के लिए, जैसे कि आपने जनानी स्कीम की बात की, जैसे कि आपने जनानी स्कीम, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी जैसे बेरोजगार औरतें होती है, फॉर एग्जाम्पल गरीब औरतें होती है, अनएजुकेटेड होती है, उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए भी सुविधाएं रखी जाती है, उनके लिए भी पर मंथ जो है फंड्स आते हैं कुछ गवर्नमेंट से जो उनको हेल्प करते हैं। और सेकंड थिंग, आपने वो भी सुना होगा सद्भावना स्कीम। सद्भावना स्कीम के तहत हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, जिसपे इतने इल्जाम लगाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कश्मीरी बच्चों को भी जो है बाकी स्टेट्स में, इंडिया की बाकी स्टेट्स में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद वो वहां से डॉक्टर्स बनके, इंजीनियर्स बनके, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहां जाते हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपने उम्मीद स्कीम की बात की, तो ये चीजें जो है स्कॉलरशिप्स है, विडो फंड्स है, या फिर कोई गरीब है या फिर कोई हैंडीकेप्ड है, तो उनके लिए अलग अलग स्कीम्स रखी जाती है जो कि उनको पर मंथ उनके फंड्स आते हैं, जिस वजह से वो अपना गुजारा कर पाते हैं। और सेकेंड थिंग मैं इंडियन आर्मी का यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जैसे सतभावना स्कीम की हमने बात की, तो वही हमने इंडियन आर्मी का, ये भी आपने सुना होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो यही एक मुद्दा बचा है कश्मीर का और इंडिया का, वहां पे तो कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, उठाते हैं बस कश्मीर और इंडिया का मुद्दा। आपने ये भी सुना होगा कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों के साथ ज्यादा जुल्म करती है, वो करती है, ये करती है, हर घर के बाहर इंडियन आर्मी होती है, उनका जीना मुश्किल हो गया, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दी जाती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, उनकी भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है। अगर आप इन फंड्स की बात करें, सद्भावना स्कीम वो भी इंडियन आर्मी की स्कीम है। उसके बाद आता है ट्रिप्स। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों को, अगर आपके बच्चे जो है कहीं पे अपना फॉर्म्स निकलते हैं, उसके बाद जो है इंडियन आर्मी उन बच्चों को लेती है, उनको ऑल इंडिया टूर कराती है, हिस्टोरिकल टूर्स होते हैं, बायोलॉजिकल टूर्स होते हैं, और भी टूर्स होते हैं। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, इवेंट्स होते हैं, या फिर जितने भी यहाँ पे मॉडल्स है, सिंगर्स है, राइटर्स है, रीडर्स है, जो भी लोकल लोग हैं, लोकल आर्टिस्ट्स हैं, उनको हमारी इंडियन आर्मी ही प्रमोट करती है और आगे राही मंजिल तक पहुंचाती है। हम कह सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी उनको पहले छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स देती है, स्टेज कायम किए जाते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके बाद जो है बच्चों की सिलेक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज किसका आता है, उसको फिर आगे आगे जिस हिसाब से बच्चों का टैलेंट होता है उस हिसाब से उनको आगे पहुंचाया जाता है। तो इट इज बिकॉज ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी, जो आज कश्मीरी बच्चे किसी भी फील्ड में, चाहे आप देख सकते हो पिछले सालों में ये बोला जाता था क्यों सो कॉल्ड कुछ जेकेएलएफ के हुर्रियत के लीडर्स आके हमारे कश्मीरी बच्चों के हाथ में पत्थर तो थमा के थे, लेकिन ये चीज गलत बोलते हैं, ये चीज इस्लाम में नहीं है, मॉडलिंग क्यों करनी है, सिंगिंग क्यों करनी है, बैठो घर में और शहीद हो जाओ, वो जिहाद का नारा लगाते थे। लेकिन आज एक कश्मीरी बच्चा भी मॉडलिंग में जाता है, आज एक कश्मीरी बच्चा भी बॉलीवुड में जाता है, आज एक कश्मीरी बच्चा भी सिंगिंग में जाता है, और बहुत सारे फील्ड्स में जो है अपने आप को सराहता है, अपने टैलेंट्स को सराहता है। तो हम कह सकेंगे कि यहाँ पे मी एज ए कश्मीरी जो चीज कश्मीर में देख रहे हैं, जो बेनिफिट्स हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, और हमारे बच्चों को किस कदर हमारी इंडियन आर्मी प्रमोट करती है, काफी काबिल तारीफ है। और सेकंड थिंग मस्जिदों का बोला जाता है, तो हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ, जो ही रमजान का महीना होता है, तो हमारी इंडियन आर्मी अपने कैंटोनमेंट्स में मुसलमानों के लिए जो है इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है। इंडियन आर्मी में ज्यादातर हिंदू लोग, आपने भी सुना होगा ज्यादातर हिंदू लोग, लेकिन स्टिल वो सफा बस सफा हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं। तो ये है इंडिया की यूनिटी, ये है इंडिया का भाईचारा। आप देख सकते हो, आप क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हो, आपने देखा भी होगा शायद कुछ वीडियोज में कि इंडियन आर्मी किस प्रकार से जो है शाना बशाना कश्मीरियों के साथ खड़ी रहती है। अब जो कश्मीर के नाम पे या इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडे चलाए, ये स्कीम्स भी फेक है, ये जर्नलिस्ट भी फेक है, पेड है, ब्लॉगर्स भी पेड है, इवन लोकल लोग भी पेड है। तो उनको मैं बोलना चाहूंगी वो अपने दिमाग का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करे, इथिकल बातें करे, इलॉजिकल बातें ना करे, और अनइथिकल चीजें ना दोहराए। आपको अगर माशराती पाकिस्तानी कुछ वो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है, इंडिया के लिए हमने कारगिल वॉर जीती, हमने वो किया, हमने ये किया, तो दैट इज टोटली अनएथिकल। यू गाइस कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड आप वर्ल्ड में देख सकते हो, बाकी यूएस जाके पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता, हिस्ट्री ज्यादा देर छुप नहीं सकती, क्योंकि सच अपनी एक पावर रखता है। चाहे मैं सच बोलूं या आप सच बोले, वो सामने आएगा ही आएगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद वो एक्सपोज हो जाएगा। आप झूठ बोलेंगी या जो भी झूठ बोलेगा एक्सपोज होगा। इसलिए मुझे भी चाहिए, हर किसी को चाहिए कि वो सच का साथ दे। सालों से सच छुपाई था और 70 साल के बाद जो है आज कहते हैं ना, जब तक सच आता है तब तक बहुत सारा कुछ डिस्ट्रक्ट होता है। तो 70 साल लगे इस सच को मतलब खाने में दुनिया को, लेकिन आज यूएन भी देख चुका है, 12 साल बाद आपने देखा होगा। तो सच आखिरकार सच ही होता है, सच उभर के आता है, चाहे वो कितने सालों तक दबाया जाए, लेकिन आखिरकार सच सच होता है, और सच सबके सामने आज दुनिया में। माइका, आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, तो इंडिया में कुछ मुस्लिम की वीडियोस मैं देख रहा था, इवन मुस्लिम लीडर हैं, अवैसी साहब हैं, और इस तरीके से और भी लीडर हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जी उन अगेंस्ट नजर आते हैं। कश्मीर के मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कश्मीर की यूथ क्या ओपिनियन रखती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से? क्योंकि शरिया लॉ की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताना चाहूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए बनाया जाएगा ताकि जिसके भी जितने भी राइट्स है हर एक, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको उन्हीं लॉज पे चलना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता हो। अब जब रिलीजन को यहाँ पे कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, तब क्यों नहीं अपने लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ मांगते हो कि नहीं यार यहाँ पे ये होना चाहिए। जब बात आती है किसी और लॉ की तब तो नहीं होता, लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तब ये लोग बोलते हैं कि यार कुछ लोग, मैंने बोला जो देशद्रोह होते हैं और जो देश के गद्दार होते हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी क्लियरली, मैं ये बोलना चाहूंगी वो लोग देशद्रोह हैं, वो बस इस्लाम और रिलीजियस का उन्होंने सुरक्षा कवच पहना है। उन लोगों को चाहिए कि वो इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के फेंके। ये एक कंट्री है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म चलेगा, यहाँ पे कोई रिलीजियस वो नहीं चलेगा। वो क्या बोलते हैं इसको, बस एक ही रिलीजन डोमिनेंस। मुझे बोलो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स का सीन है तो हमारे इस्लाम में बोला जाता है ट्रिपल तलाक। अब हिंदूज में भी कुछ अलग लॉ होगा, मुसलमानों में भी कुछ अलग लॉ होगा, सिख्स में भी कुछ अलग लॉ होगा, या फिर क्रिश्चियंस में भी कुछ अलग लॉ होगा। जब इन तीन चार सेक्ट्स को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम है? जब इन तीनों में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता होगा ना। जब इन तीन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान एक को क्यों प्रॉब्लम है? क्यों हमेशा सिर्फ मुसलमान ही? जब केरल स्टोरी हुई थी तब भी एक मुसलमान को प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीके भी बनाई गई थी। पीके में भी जो है हिंदूज को काफी ज्यादा, मतलब हिंदूज का रिलीजन भी आया था। ऐसी कुछ मूवीज है जहाँ पे हिंदुइज्म के बारे में भी कुछ दिखाया गया था। जब एक हिंदू को प्रॉब्लम ही नहीं होती है इस सब चीजों से, जब कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी बनी वो रियलिस्टिक स्टोरीज थी, लेकिन उनको भी बोल दिया गया ये प्रोपेगेंडा है। क्यों? ऐसे लोग जो है देश में वो कहते हैं ना खौफ और दहशत फैलाना चाहते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है, टेररिज्म, दहशत देश में फैलाना और देश के लोगों को आपस में लड़वाना। हिंदू को मुस्लिम, इन लोगों का सिर्फ एक मकसद होता है, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना। सेकंड थिंग, मैं कश्मीर के ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो फिलहाल आप मुझे से रिव्यूज दे रहे, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में हूँ, क्योंकि ये हर एक रिलीजन के लिए, ये सिर्फ मुसलमान को ही यहाँ पे कौन सा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे तो इवन की लोगों को अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलेंगे। उनको जो है डिवोर्स के बाद जो जो चीजें होंगी, जो जो फॉर्मेलिटीज होगी, वो एक हिंदू लड़की को भी करनी पड़ेगी, वो मुसलमान लड़की को भी करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, अगर आपको जो है जितने भी लॉज है डिवोर्स के बाद आपको जितनी पेनल्टी आप मतलब हस्बैंड से लेनी है, वो एक हिंदू लड़की को भी उतनी लेनी पड़ेगी जितनी की मुसलमान लड़की को लेनी पड़ेगी। अब अगर राइट्स के बारे में बात करें, राइट्स सेम होंगी हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी। हिंदू को प्रॉब्लम नहीं, सिख को प्रॉब्लम नहीं, मैं मुसलमान फिरके से ही हूँ, लेकिन मुसलमान को क्यों प्रॉब्लम है? अब कुछ मुसलमान है जो यहाँ पे बस इस्लाम का सुरक्षा, जैसे पाकिस्तान ने इस्लाम का सुरक्षा कवच पहना है, सेम यहाँ पे भी कुछ देशद्रोह और देश के गद्दार और देश के दुश्मन है जो बस देश को खराब करना चाहते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे इस टाइम पे पाकिस्तान की हालत है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी ऐसे ही आईन बने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेजॉरिटी और यहाँ पे सिर्फ वही चलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो लीगल है, जिससे किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मैं एज ए मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड से भरपूर सहमत है। मुझे लगता है हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे और हर कोई यहाँ पे इक्वल रहेगा बिना किसी भेदभाव के। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सही है और इस पे जो है जितने भी मुसलमान कश्मीर में है, जिससे भी मैंने रिव्यूज लिए, आई थिंक मैंने सही लिए है। और पाकिस्तान के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हित में है, इवन पाकिस्तान में रह के। अब जो यहाँ पे है वो तो दहशत ही फैला। ठीक है, आपने बहुत सी बातें की, लेकिन एक बात आपने बोली कि मुसलमान हमेशा इस तरीके से करते हैं या क्यों इस तरीके से करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी जो ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन के मुताबिक हर मजहब, हर इलाका, हर कंट्री में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। हम किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कह सकते, मतलब कहीं पे ज्यादा अच्छे होंगे या ज्यादा बुरे होंगे, कहीं पे ज्यादा बुरे होंगे, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो सोसाइटी को खराब करें। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी कि मेजॉरिटी अगर देखा जाए, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। जो चीजें हमारे इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के लोग कर रहे हैं, हमारा इस्लाम ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम जो है वो एक पीस का रिलीजन है। हमारे प्रॉफिट ने कभी ये सिखाया ही नहीं कि आप लड़ो, आप किसी को। इवन आपने वो वाकया भी सुना होगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बूढ़ी कूड़ा फेंकती थी, तो जब वो बीमार हुई तो उनकी खबर लेने गए, उल्टा जो है उनको नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन तब भी जाके वो है प्रॉफिट उनकी खबर लेने गए। अब जो इंसान जिस मजहब में ऐसा पैगंबर होगा, जिस मजहब में ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जैसा बंदा होगा, उस मजहब में कहाँ दहशत होगा, उस मजहब में कहाँ टेररिज्म होगा, उस मजहब ने क्या कैसा सलूक सिखाया होगा लोगों के साथ। लेकिन ये जो गंदे लोग है ना, जिन्होंने इस्लाम का सुरक्षा कवच, आज देखो मेजोरिटी जो लोग है ना टेररिज्म में मुलवस है, उन्होंने बस इस्लाम का सुरक्षा कवच पहना है, इस्लाम को बदनाम करते हैं और कुछ भी नहीं, इस्लाम के नाम पे धब्बा है। मैं क्या बोला चाहूंगी, मेरा बस ये मकसद था कि इन्होंने बस इस्लाम का सुरक्षा कवच था। खास तौर पे हमारे इस रीजन की अगर बात की जाए तो हमें अपने ही मतलब का, जो यहाँ पे इस्लाम जिस तरह का कोई लाना चाहता था, वो उसी तरह का अपने मतलब का इस्लाम लाया, जो कि रियल इस्लाम है उससे शायद दूर रखा गया है। हमें चीजें वो बताई नहीं गई। इवन आज हम ये समझते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, जबकि अगर रियलिटी देखी जाए शायद हमारी वजह से ही मजहब का इमेज खराब हो रहा है, हम जैसे लोगों की वजह से जिन्हें खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुहेब, ऐसे लोगों की वजह से हमारा इस्लाम खराब हो रहा है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप मुझे बोलो, इस्लाम में ये कहाँ पे लिखा है आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करो? इस्लाम में ये कहाँ पे लिखा है कि आप शियाओं को, जो शिया हमारा ही अपना मुस्लिम सेक्ट है, दूसरा सेक्ट है, उन लोगों तक को बख्शा नहीं जाता है, उन लोगों तक को पाकिस्तान में मारा जाता है, माइनॉरिटीज के। आप मुझे ये बोलो, हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बकरा ईद आती है, आप लोग कुर्बानी करते हो, दैट्स क्वाइट ओके। बट अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके सामने, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनके सामने आप वो चीज करो, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करो, ये हमारे इस्लाम में कहाँ लिखा है? हमारे इस्लाम में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी के दिल को ठेस पहुंचाओ, आप किसी की रिलीजियस जगह को? अगर हमारे प्रॉफिट ने इस्लाम अगर फैलाया है तो एक पूर्ण तरीके से फैला, कि उन्होंने पहले मंदिरों में जाके मंदिर तोड़े लोगों के, कि उन्होंने पहले, आप देखो कितने मंदिर डिमोलिश किए गए हैं पाकिस्तान में। क्या ये इंसानियत है? हमारे इस्लाम में तो प्रॉफिट ने कहा था कि ये ह्यूमैनिटी, मतलब इस्लाम इज द ह्यूमैनिटी, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्यों मतलब इस्लाम को इतना हैक्टिक बना रहे हैं जितना इस्लाम है ही नहीं। अब इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन है, आप पहले पढ़ के देख लो फिर आप बताओ। बाकी ये जो लोग, ऑब्वियसली अगर आप दूसरे मजहब के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे, हिंदू इंसानों के साथ ऐसा करोगे, हिंदू लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करोगे, उनके सामने उनको जो अलाउ नहीं है रिलीजन में वो चीजें करोगे, वो तो आपको गद्दार समझेंगे, वो तो आपके रिलीजन पे सीरियसली, वो तो आपके रिलीजन पे बोलेंगे यार कैसा रिलीजन है, सीरियसली तो गद्दारी है, सीरियसली तो ये तो दहशत ही फैलाना चाहते हैं, सीरियसली ये रिलीजन है। क्योंकि उन्होंने आपका इल्म नहीं पढ़ा है। वो जो आपका बिहेवियर होगा, जो आपका आपका लहजा होगा उनके साथ, वही चीज वो आपको देंगे और वही चीज वो अडॉप्ट करेंगे और वही चीज वो आप में देखेंगे, वही चीज वो आपके रिलीजन में देखेंगे। आपका रिलीजन तब डिपिक्ट होगा जो आप चीज उनको दिखाओगे। तो सेम इज द केस, आप सब लोगों ने इस्लाम को टेररिज्म की तरह यूज किया है, तो अब इस्लाम तो टेररिज्म, अब तो सब बोलेंगे नहीं इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वही मुसलमान आके उनके सामने बदतमीजी करता है। आप शर्मा का शिव के नाम पे कुछ बोला जाता है, उनके देवता है, हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें भी दिल में उनके लिए इज्जत देनी चाहिए। लेकिन अब आप उसको प्रोवोक करोगे, अब आप उसके भगवान के, जिसको वो देवता और भगवान मानते हैं, जिसको वो अपना खुदा मानते हैं, उनको आप कुछ गलत बोलोगे। अगर हमें कोई ऐसे प्रॉफिट के बारे में बोलेगा तो हमें कौन सा बर्दाश्त होगा? क्योंकि हम लोग, हर किसी के रिलीजन होते हैं, तो पहले उसको बोलना। अब जब वो रिएक्ट करे तो वो इस्लाम का क्यों बोला उसने, इस्लाम का वो क्यों बोला, इस्लाम का ये क्यों किया। सेम यार, जब आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट जब मुसलमानों के सेंटिमेंट्स है तो हिंदुओं के नहीं है, क्रिश्चियंस के नहीं है, सिख्स के नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बस इस्लाम को बदनाम ना करो। ऐसे लोग जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस्लाम को बदनाम ना करें प्लीज, इस्लाम का सुरक्षा कवच फेंक दो और आप इस दीन के लायक ही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि देखें, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन हम शायद उम्मीद ये रखते हैं, सोच ये रखते हैं कि हमारी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करे, हम चाहे किसी की रिस्पेक्ट करें या ना करें। भाई का ये बताइएगा जो सोच आपकी आज